इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हे भगवान, किस मनहूस गाड़ी में मैं मार्केट के लिए निकली, एक ऑटो नहीं मिल रहा है। उदिता भी घर पे अकेली है। ऑटो, 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 ऑटो। उदिता को भी कॉलेज जाने में लेट होगा। हेलो। हाँ बेटा, एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ मम्मी? दरअसल मुझे एक ऑटो नहीं मिल रही है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है तुझे कॉलेज जाने में भी लेट हो रहा है ना। पर मैं क्या करूँ, एक ऑटो नहीं मिल रही है। तुम्हारा खाना भी लेट। दिखता नहीं है क्या? क्या बोली? बाइक देख के नहीं चला सकते थे क्या? तुझे कपड़े खराब कर दिए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं खुद अपने हाथों से धो दूंगा। तमीज! भाई गॉड, आंटी के नखरे तो देखो। तुम्हारी जैसी औरतें ना, मेरी कमजोरी है। और ज्यादा नखरा क्या है तो उठवा लूंगा, समझी? चल निकल निकल। आजकल के लड़के इतने बदतमीज हो गए हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ मम्मी? अब घबराई क्यों लग रही है? दरअसल आज एक बदतमीज लड़के से मेरा सामना हो गया। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अच्छा सुनो, तुम घर पर ही रहना, मैं बस 10 मिनट में पहुँचती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ गरम गरम खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं कैंटीन से खा लूंगी और घर पे ताला लगा के ना मैं चाबी गमले के नीचे रख दूंगी। अच्छा सुनो, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ, ठीक है? बाय। हाय, कैसी है? हाय, बढ़िया। हे, या हाय, या। तुम्हारे लिए पार्क में सरप्राइज है।
बहुत उदास है कोई तेरे जाने से। हो सके तो लौट आओ किसी बहाने से, बस एक बार ही पलट के देख लो कोई टूट गया है तेरे दूर जाने से। कौन है जो इतने दिनों से मुझे ये फूल और कार्ड्स भेज रहा है? सुविता से दिल की बात कह के रहूंगा। फोन को अभी आना था, कबीर का फोन। हाँ कबीर, तुझसे कुछ जरूरी काम था, कहाँ है तू? यार अभी नहीं आ सकता, थोड़ा सा जरूरी काम में बिजी हूँ। जरूर तू उस लड़की के पीछे लगा होगा। क्या नाम था उसका? उदिता है ना? हाँ यार कबीर, यार आज तो बड़ी मुश्किल सुविता से बात करने की हिम्मत जुटाई थी, तेरे चक्कर में वो भी मौका हाथ से निकल गया। मेरी बात सुन, जैसे आज ये मौका मिला है ना, ऐसे मौके और भी मिलेंगे। ठीक है, एक काम कर, तू मुझसे आके मिल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। ठीक है? चल ठीक है, आता हूँ। और भाई मजनू, मेरी वजह से तेरा प्लान चौपट हो गया ना। लेकिन भाई तू एक बात बता, तू एक ही लड़की के साथ कैसे सेटल हो सकता है? मेरा मतलब तालाब में इतनी सारी मछलियां भाई, और ये कि एक के पीछे पड़ा भाई, वो तो तेरे और मेरे लिए है ना, इससे तो एक भी सेट नहीं हो रही है भाई। मेरे लिए उल्टा ही है। वैसे तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यार भाई तुझे मेरा असाइनमेंट करना होगा। सोच ले, ये पत्ती तेरी हो सकती है, और वैसे भी तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल और कार्ड्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, ये पैसे उस काम आ जाएंगे। ये तो अपने काम पे लग गया, अब हम भी अपने काम पे लगे। यार ये नवीन उस लड़की को पटा तो पाएगा नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ही उसी की सेटिंग करवा दे। हाँ वैसे भी वो बेचारा हमेशा हमारे प्रोजेक्ट बनाता रहता है। तेरी मर्जी, तू जानते हो उदिता को? हाँ चले। चल उदिता को बताएंगे कि नवीन ने उसके लिए भिजवाया। ओए वो रही उदिता, वो ब्लू टॉप वाली? नहीं नहीं वो ब्लैक टॉप वाली।
प्लीज सुनीता, मैं बहुत हिम्मत करके तुम्हारे सामने आया, मेरा दिल मत तोड़ो, नहीं तो ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कौन हो तुम? मेरा नाम कबीर है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था, बस तब से ना तुम मेरे दिल और दिमाग में बस गई हो। क्या चाहते हो? एक मुलाकात प्लीज सुनीता, सिर्फ एक बार मिलो, मेरा दिल मत तोड़ना प्लीज, सिर्फ एक बार ही मिल लो प्लीज। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। सच? थैंक यू, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी खुशियां दे दी। प्लीज तू तो नवीन की सेटिंग कराने आया था और खुद की सेटिंग कर ली। सेटिंग तो इसकी मेरे साथ मुझसे, तो उस नवीन का क्या करेंगे? उससे ना तो प्यार का झुनझुना बजाने दे। मम्मी, कैसी हो मम्मी? ठीक हूँ बेटा। क्या बात है मम्मी, अब सुबह भी परेशान लग रही थी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आज मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है, सुबह सुबह एक लड़की से मेरी बहस हो गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए, अब मेरे साथ चलिए, मैं खुद अपने हाथों से धो दूंगा। बहस हो गई? कोई जानवर से कम नहीं था वो, बड़ा बदतमीज लड़का था। खैर वो सब छोड़, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? मेरा दिन तो बोरिंग ही बीता मम्मी। पर कुछ दिन पहले मैं किसी से मिली। मेरा नाम कबीर है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था, बस तब से ना तुम मेरे दिल और दिमाग में बस गई। और उससे मिलके ऐसा लगा मानो मेरा दिल ही सवर गया हो। किससे मिली? वो मम्मी मेरी एक बचपन की दोस्त थी ना, शालिनी, उससे मिली। हाँ शालिनी, कैसी है वो? ठीक है। अब तो खुश है ना, इसलिए तो इतनी खुश हूँ। चल जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है। हाँ रह गई उदिता, अभी तक नहीं आई। सुन कबीर, नवीन कॉलेज आ गया। भाई मैं उदिता के लेफ्ट विंग में वेट कर रहा हूँ, अबे वो भी उसी तरफ से वहां आ रहा है। भाई तो एक काम कर, किसी भी तरह उसका ध्यान भटका के रख, उदिता आती होगी यार, मैं आज के आज ही उसे पटा लूंगा। ठीक है? चल ठीक है। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजा हुआ है? कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, तो आज जब वो सपना पूरा हो रहा है तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इसलिए शायद थोड़ा नर्वस हो गया। चले चले। नवीन भाई मैं तेरे पास ही आने वाला था, अच्छा हो तू मुझे मिल गया। क्यों? मुझे ना केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट बनाने में तेरी हेल्प चाहिए। भाई मैं शाम तक कर दूंगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। भाई सुनना यार, मुझे आज 12 बजे तक सबमिट कराना है, वरना ये लोग मुझे फेल कर देंगे। भाई प्लीज बना दे यार, प्लीज ना। चल ठीक है यार। Thank you.
अच्छा कबीर, तुम मुझे कैसे जानते हो? हम तो सेम क्लास में पढ़ते भी नहीं है, तो पहली बार तुमने मुझे कहाँ देखा? मैंने तुम्हें 4 महीने पहले फ्रेशर पार्टी में देखा था। 4 महीने पहले? पर मैंने तो 2 महीने पहले इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्योंकि मेरा पिछला कॉलेज बहुत दूर पड़ता था घर से। हाँ हाँ, आई मीन ये 2 महीने पुरानी बात है ना। वो क्या है ना, मैंने तुम्हें बताया ना, पता नहीं आज मैं क्यों इतना नर्वस हो रहा हूँ। इट्स ओके। वैसे कबीर, तुमने इतनी खूबसूरत शायरी कहाँ से सीखी? वो तो मेरा अंदाज ही शायर है ना। इसी बात पे, जो पिछली बार तुमने मेरे लिए शायरी लिखी थी, तो एक बार सुना दो ना। वो शायरी मेरे दिल को छू गई थी। कहाँ गया? मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्या हुआ? अब इतराना बंद भी करो और सुना भी दो। पूरी तो बात ऐसी है। एक्चुअली वो बात ऐसी है कि तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोला था? वो सारी शायरी मैंने खुद नहीं लिखी थी, बल्कि इंटरनेट से उठाई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, वही मुझे लगा कि आज के समय में ऐसे शायर लड़के कहाँ मिलते हैं। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। सच्ची? मुच्ची। मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ बस निकल ही रही। हाँ चलो। अबीर, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। सुन ना मेरी बात, क्या कर रहे हो? मैं बताऊंगा कि तुम एक नंबर के पतली हो। अगर अपनी सलामती चाहता है ना, तो उदिता का नाम अपने दिल और दिमाग से निकाल दे। कभी नहीं। उदिता सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरी है? सिर्फ तेरी है? बोला, तेरी है? किसकी उदिता? बोल। तेरी है। अगर फिर से तेरी जुबान से उदिता का नाम भी सुना ना, तो ये चाकू तेरी गर्दन के आर पार फेर दूंगा। समझा? आ गई तेरी सारी आशिकी। फट तू गई क्या?
बात कान खोल के सुन, पापा को भूल जा। सर मेरी है। किसकी है? तेरे? मेरी। समझा? समझा? को भूल जा, वो सिर्फ मेरी है। अजिता, क्यों किया कभी तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों? बोलो ना। 21 दो ना। धत पागल। तुम्हें मुझे तड़पाना अच्छा क्यों लगता है? खुश? ऐसे कैसे खुश हो जाऊंगा मैं? मुझे तो कुछ और भी चाहिए। उदिता। अरे मम्मी आप। बेटा जरा छत से कपड़े ले आना। जी मम्मी। उदित आजकल छिप छिप कर किससे बातें करती रहती है? मम्मी, दूसरों का फोन बिना परमिशन चेक करना गंदी बात होती है, समझे? मेरी बच्ची, लव यू बेटा। चल बाइक पे बैठ, कबीर ने बुलाया। कबीर ने? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? इतना कुछ हो जाने के बाद भी शर्म नहीं है तुम्हें? इतना भरोसा किया तुम लोगों पर, दोस्त माना? अरे गद्दार हो तुम लोग, गद्दार, धोखेबाज। उस कबीर ने मेरी उदिता को धोखे से पटा लिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और तुम लोगों को जरा भी मुझ पर तरस नहीं है। और आमिर, तुमने उस कबीर का साथ दिया। तू कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? एक लड़की कभी जिंदगी नहीं हो सकती, लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। और तू इतनी सी बात पे इतना नाराज हो रहा है? कबीर उस लड़की को तेरे लिए पटाने गया था, पर उसका उस पर दिल आ गया, तो अब वो क्या करे? पर एक बात याद रख कि कबीर तुझे भी बहुत मानता है, और इसलिए तुझे बुलाया। चल बैठ। मानता है? जितना मानता है मुझे पता है। आई नो कि तुम लोगों को फिर से किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए मेरी जरूरत पड़ी होगी, इसलिए आ गया तुम हिलाते हुए। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम लोगों का किसी भी प्रोजेक्ट में कोई साथ नहीं दूंगा। जो मेरे साथ किया है उसके लिए ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। तू मानेगा नहीं ऐसे? ज्यादा गर्मी चढ़ी तेरे दिमाग में? नहीं नहीं, उसे उठ तेरे बेड में। नहीं 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 नहीं, बाइक पे बैठ, चल बैठ। छोड़ेगा नहीं पट्टू कहीं का। तो आज बाल बाल बच गई, आज तो मम्मी पकड़ ही लेती। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपनी मम्मी से भी ना मेरी बात करा ही दो, वो भी ये देख के कितना खुश हो जाएंगी कि मेरी बेटी ने इतना हैंडसम मुंडा पसंद किया। चुप। अच्छा सुनो ना, तुम्हें पता है ना कल क्या है? ऑफ कोर्स। एक महीने पहले तो हम मिले थे पहली बार, और ये मौका मैं तुम्हारे साथ कल सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। कभी मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कुछ हदें हैं जिन्हें तुम पार नहीं करना चाहती, और मैं भी ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल टूटे। You know what, कबीर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे मिले। अच्छा बेबी, मेरे ना कुछ फ्रेंड्स आए हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय।
अरे नवीन, क्या हाल है नवीन भाई? तूने तो बात ही करना बंद कर दी। बैठ बैठ ना। क्या भाई, एक लड़की के लिए तो अपने दोस्तों को भूल गया? चल उदास मत हो, मैं तेरा मूड ठीक करता हूं। ये देख। क्यूट है ना? कल इसका काम निपटाने जा रहा हूं और वीडियो भी बनाऊंगा, तुझे भी भेजूंगा। अब तुझे लड़की तो मिल नहीं सकी, तू वीडियो से काम चला लेना। क्यों आमिर? अरे इसे तो गुस्सा आ रहा है। देख आमिर, ये मुझे घूर रहा है। क्यों दे? तो मुझे घूर रहा है। मुझे घूर रहा है बोलना। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब चल मेरा प्रोजेक्ट बनाने बैठ जा। आमिर पकड़, चल फड़ो फड़ो। मुझे सोने जाना तो हॉल में बैठ के पूरी रात मेरा प्रोजेक्ट बना देना और सुबह कॉलेज में ना जमा करवा देना, ठीक है? चल चल। हाँ कबीर। हाँ, तुम्हारा ही प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सैंडल टूट गई है। क्या आसपास कोई सैंडल बनाने वाला दुकान होगा? तो मैं अपना सैंडल ठीक करवा लूंगी। हेलो। अब हाँ, वो उधर सामने एक शॉप है। थैंक यू। कल इसका काम निपटाने जा रहा हूँ और वीडियो भी बनाऊंगा, तुझे भी भेजूंगा। मैं कबीर को रीता की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मुझे रीता को सावधान करना ही होगा। रीता को भूल जा, वो सिर्फ मेरी है। धोखे की बुनियाद पर बनी रिश्तों की इमारत सिर्फ तबाही और बर्बादी का आशियाना बनाती है, और ऐसे मकानों में रहने वाले रिश्ते कभी पनप ही नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज आप देख रहे हैं एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जिसका आगाज प्यार और विश्वास के वादों से शुरू हुआ, लेकिन जिसका अंजाम बहुत ही भयानक जुर्म के साथ खत्म हुआ। कबीर एक अपराधी स्वभाव का इंसान था और अपने स्वार्थ को पाने के लिए इंसानी जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे पहले बहुत ही शातिर अंदाज से कबीर ने उदिता को अपने जाल में फंसाया, तो वही दूसरी तरफ नवीन उदिता से सच्चा प्यार करता था, लेकिन कबीर के खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से चुप रहना उसे मंजूर था। लेकिन अब एक सवाल यहां उठता है और वो ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी क्या नवीन उदिता को कबीर के इस दलदल में गिरने देगा? क्या कबीर अपने इस नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाएगा और उदिता की जिंदगी बर्बाद कर देगा? आइए देखते हैं। आ गई मेरी बुलबुल। हाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उदिता, ये लड़का
भाई गॉड, आंटी के नखरे तो देखो। तुम्हारी जैसी औरतें ना मेरी कमजोरी है। ये तो वही बदतमीज लड़का है जिसने मुझसे बदसलूकी की थी। जरूर किया होगा, ये तो है ही निहायती गिरा हुआ इंसान। उसने हर कदम पे बस मुझसे झूठी बोला है। वो तो भला हो उस नवीन का, नवीन ने मुझे सब सच बता दिया। बहुत उदास है कोई तेरे दूर जाने से। हो सके तो लौट आओ किसी बहाने से। बस एक बार देख लो पलट के, कोई टूट गया है तुम्हारे दूर जाने से। ये शायरी, ये जज्बात, ये सब मेरे हैं, लेकिन उस कबीर ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया क्योंकि वो एक नंबर का घटिया और निकम्मा इंसान है। क्या क्या मतलब? नवीन ने मुझे सब सच बता दिया कि वो मुझसे प्यार करता था, और तुमने उसे धमका कर मुझसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया और फिर उसकी जगह ले ली। और तो आज तुम मेरा फायदा उठाने वाले थे। मैं उस कबीर को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, वो एक नंबर का गुंडा है। तुम उसके पास अकेले मत जाना, किसी बड़े को लेकर जाना। तू तो गया। तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसने मुझे बता दिया है कि वो शहर छोड़ के चला जाएगा। मुदिता मेरी बात सुनो। अपने गंदे हाथ दूर रख मेरी बच्ची से। मुदिता, तुम्हें मेरा प्यार ठुकराना बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना तुम। मेरे सामने मेरी बेटी को धमकी देता है, मैं मेरी बेटी के सामने भी दिखा ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा, समझा? चल बेटा। बेटी को धमकी देता है, ले मेरी बेटी के सामने भी दिखा ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। क्या कर रहा है यार? आराम से। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो नवीन तो बच के भाग गया, लेकिन उस माँ और बेटी को मेरी बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। बदमाश हो गई है, जब देखो तो फोन पे लगी रहती है। ये बता, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? सही चल रही है ना मम्मी? अच्छा, वो तो मुझे दिख रहा है कितनी सही चल रही है। मम्मी ये आवाज कैसी थी? मुझे लगता है फिर बिल्ली घुस आई है। हाँ तू रुक, मैं उसे निकाल कर आती हूँ। ठीक है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी?
और तेरी माँ खुद को समझती क्या है? उदिता! और तो और तूने मुझे ना बोला कबीर को। कबीर? कबीर दरवाजा खोल कबीर! और तेरी माँ ने मुझे थप्पड़ भी मारा। अब देख मैं तेरा वो हाल करूंगा, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेगी। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना कबीर! उदिता! कभी छोड़ क्या मेरा? उदिता! जी ना बोलिए, कबीर को सबसे पहले मुझे सारे सबूत मिटाने पड़ेंगे। मुझे ना बोला था कबीर को? ये कपड़े किसी ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां इसे कोई ढूंढ ना सके, फिर ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। सुनो। यस सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। क्या अपडेट है? सर, विक्टिम उदिता के दोस्तों से मैंने बयान लिया था, पता चला कबीर नाम का एक लड़का है जिसका उसके साथ ब्रेकअप हुआ। तो कबीर के बारे में कुछ पता किया? सर, कबीर अच्छा आदमी नहीं है, गुंडागर्दी मारपीट के चक्कर में वो हवालात भी जा चुका है। रहता कहाँ है कबीर? ये तो शांतिनगर में रहता है सर, वहाँ की पुलिस भी उसके घर पे गई थी दबिश के लिए, लेकिन वो वहाँ मिला नहीं, शायद भाग गया सर। जाधव, गुनाहगारों के लिए ना ये दुनिया बहुत छोटी होती है। एक काम करो, सारे शहरों की पुलिस को अलर्ट करो, ज्यादा समय तक बच नहीं सकते हैं कबीर। जी सर। नहीं मिला कहीं? ये भी नहीं मिला। बैठो गाड़ी में। रुक जाओ कबीर, आपने की कोशिश मत करना। कोई होशियारी नहीं,
जहां हो चुपचाप वहीं खड़े रहो। उठाओ इसे। कभी तूने अपनी झूठी शान के चलते दो मासूमों की जान ली है। ऐसा केस बनाऊंगा ना तुझ पे, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ले चलो इसे। अपने इस संगीन जुर्म के लिए कबीर कानून की गिरफ्त में है और कानून के तमाम धाराओं के तहत मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। अक्सर लोग अपने अहम को अपने आप से ऊंचा बना लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिंदगी में रिजेक्शन या हार आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे कि कबीर के साथ हुआ, जो उदिता द्वारा नकारा जाना स्वीकार नहीं कर पाया और एक घृणित अपराध कर बैठा। तने हुए पेड़ तूफान का सामना नहीं कर पाते और आखिरकार टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई घास का तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जिंदगी में इंसान को हमेशा विनम्र होकर रहना चाहिए, अपने कर्मों से अपने कद को ऊंचा करना चाहिए, ना कि अपने अहंकार को। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।